सबसे बड़ा दंगल, जी हाँ सबसे बड़ा दंगल लोकसभा चुनाव 2019, और हम पहुंच चुके हैं लपेटे में नेताजी का कारवां लेकर गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद। आज हमारे साथ यहां मंच पर मौजूद हैं सुनील साहिल, कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार और मेघ श्याम मेघ। इस चुनावी मौसम में लपेटे जाएंगे सत्ताधारी पार्टी से भरत पांड्या जी, बीजेपी से भरत पांड्या जी हमारे साथ, और कांग्रेस से हमारे साथ है इमरान खेड़ावाला जी। तो प्रताप जी कहां से शुरू करें? मैं शुरू तो कहीं से भी कर लो, मुझसे ही कर लो, क्योंकि आजकल सरदार ही ठलुए बैठे हुए हैं और यहां तो आप मुझसे ही कर लो, क्योंकि मैं गुजरात से बहुत नाराज हूँ। क्यों? हमारी कुर्सी गुजरातियों ने ही छिनाई थी। हाय हाय बाबा बाबा। पहला जो आपका घोषणा पत्र था पांड्या जी, उसमें सब दिखते थे, अब के सिर्फ एक दिखे उसमें। तो वो अब मुझे पता नहीं कि शक्ति केंद्रित हो रही है या और सब खत्म हो गया, एक ही रह गए। अच्छा है, अच्छा। के माल वही सड़क ला पैक करके दिया है। बहुत अच्छे, माल वही, ताली बजाओ। मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं आगे से बिना कहे। के माल वही सड़क ला पैक करके दिया है, सिर्फ पैक करने का पैकेट बदल गई। आए हाय, सिर्फ पैक करने की पैकेट, देखो कितनी जल्दी इमरान साहब ने हाँ कही है। अभी तो करेंगे वो। सिर्फ पैक करने की पैकेट बदल गई, और वही जाल वही बाल वही खेलने का फील्ड, केवल दिखाने को रैकेट बदल गई। के घोषणा पत्र में से तो भाजपा नदारद है, एक भी भाजपा के फोटो नहीं है उसमें, पहले 5-7-8 हुआ करते थे। घोषणा पत्र में से भाजपा नदारद है, पहले थे चेहरे वो लॉकेट बदल गई। और एक चीज उसमें जरूर बदली है, बाकी तो सब वही है, कि पहले थे चेहरे वो लॉकेट बदल गई, और बाकी कुछ और नहीं, मुद्दे हैं वही पुराने, पर इस बार घोषणा में जैकेट बदल गई। लेकिन हुआ है क्या कि GST, नोटबंदी और भगोड़े, GST, नोटबंदी और भगोड़े, देश समझ ही जाएगा। ये तीन चीज, GST, नोटबंदी और भगोड़े। तालियां मुझे अगली पंक्ति पर चाहिए। GST, नोटबंदी और भगोड़े, देश संभल ही जाएगा। और मोदी जी ने जब जैकेट बदली है तो देश बदल ही जाए। बहुत अच्छे। सिर्फ एक तस्वीर क्यों रह गई? पांड्या जी सीरियस हो गए। देखो, कोई भी पार्टी के लीडर जिसके आगेवान में चुनाव होता है, वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो, तो फेस एक होता है। इन्होंने भाजपा का घोषणा पत्र देखा, इमरान जी मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है। और सच बताऊं, एक पल के लिए मैं कांप गया, और मुझे एक भाजपाई भड़का हुआ भाजपाई मिल गया भरत जी। अब चूंकि गुजरात में हूं तो गुजरात के फ्लेवर में ही सुनिए, पब्लिक आनंद लेगी। वो पूछ रहा है आपसे, मैनिफेस्टो में केम छे केम छे केम छे, मैनिफेस्टो में केम छे केम छे केम छे, देशभक्ति पे ब्लेम छे ब्लेम छे ब्लेम छे, सेना कश्मीर से हटाओगे, अरे ये तो शेम छे शेम छे शेम छे शेम छे। अब वाजपेयी बोला, है सत्ता की बीमारी, घातक इनकी तैयारी, भारत माता से ज्यादा है कुर्सी इनको प्यारी, आतंकी से हम दर्दी भूले हैं दहशत गर्दी, मांगे सबूत सेना से, इन लोगों ने हद कर दी, पॉलिटिक्स में खेला है आपने, डर्टी गेम छे गेम छे गेम छे। अच्छा, मोदी जी ने भी पढ़ा, तो मोदी जी इनके घोषणा पत्र को पढ़कर कांग्रेसियों से बोले,
तुम मुझको चोर कहोगे, मैं चौकीदार रहूंगा, मैं भारत की प्रगति का बस भागीदार रहूंगा। मुझे गाली खूब सुनाओ, गठबंधन खूब बनाओ, ये पब्लिक सब जाने है, इसे उल्लू नहीं बनाओ, इसे उल्लू नहीं बनाओ। अब तालियां उठे, इसे उल्लू नहीं बनाओ। मोदी बोले राहुल से कुछ भी कर लो, ये मारो टेम छे टेम छे टेम छे टेम छे। आपका क्या कहना है अपने घोषणा पत्र पर? हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, सैटेलाइट स्ट्राइक देखी। देखी तो फिर सबूत क्यों मांग रहे हो? तो उसके ऊपर भी मैं एक शायर ने बहुत ही शॉर्ट में एक शेर कह दिया है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। राहत इंदौरी साहब का शेर है। सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। 2008 में जब आतंकवादी हमला अहमदाबाद में हुआ था, कई लोग मर गए, सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड में भी हमले हुए, उसके बाद अक्षरधाम हमले हुए, मुंबई में हमले हुए, लेकिन एक बार भी सबको मालूम था, पूरे विश्व को मालूम था कि ये पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी कृत्य है, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अपनी मूल व्यंग कविता से पहले कुछ वन लाइनर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत सुनील भाई। एक कांग्रेसी रात को अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ सपने में बड़बड़ा रहा था। इसमें हंसने की क्या बात, अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ सपने में बड़बड़ा रहा था कि मोदी जी को नहीं छोड़ूंगा, मोदी जी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बीवी बोली, पहले चादर तो छोड़। ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, ऐसे ऐसी बातें होती हैं। बच्चे ने टीचर से पूछा कि राहुल गांधी भारत के पीएम बनेंगे, ये कौन सा टेंस है? बच्चा बोला, जी ये टेंस नहीं है, ये तो टेंशन है। अच्छा सर, मैं देखता हूँ कि आजकल सभी सभाओं में सर जी राहुल गांधी जो है जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। हाँ। तो मैंने इस पे रिसर्च किया। हाँ। कि राहुल गांधी गब्बर सिंह के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। ईवीएम की बात होती है, मेरी बातें बड़ी बारीक होती हैं, पकड़िएगा। आप भी बारीक हो। मैं भी बारीक हूँ। ईवीएम की बात होती है तो ईवीएम को लेके लोग बिदक जाते हैं कांग्रेस वाले। तो मैंने देखा कि ईवीएम का फुल फॉर्म ये कहीं एडवीना माउंटबेटन तो नहीं समझते हैं कि कोई भी कमाल भाई कमाल, हाय हाय वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि कोई भी एडवीना से छेड़छाड़ करे तो इनको बुरा लगता है। पिछले दिनों राहुल जी पुणे आए, मैं पुणे से आता हूँ, तो हमारी एक एंकर हैं, उन्होंने पूछा कि राहुल जी आपकी क्या हॉबी है? तो राहुल जी ने कहा, मुझे खाना पसंद है। तो मैंने कहा, इसमें नई बात क्या है? हर कांग्रेसी को खाना पसंद है। आए है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, कमाल है सुनील भाई कमाल। मुंह जोरी की पिच पर दिग्विजय सिंह ने एक छक्का और जड़ा है। मुंह जोरी की पिच पर दिग्विजय सिंह ने एक छक्का और जड़ा है, बोला राफेल वाला हमारे बोफोर्स वाले घोटाले से बड़ा है। बहुत अच्छे। अभी घोषणा पत्र की बात कर रहे थे प्रताप जी, आरजेडी का घोषणा पत्र अभी उन्होंने जारी किया है साहब। तो उन्होंने एक बात लिखी है कि हम ताड़ी से बैन हटाएंगे, ताड़ी वहां की लोकल शराब है, हालांकि यहाँ शराब की बात करना अलाउड नहीं है, ताड़ी पर बैन हटाएंगे और सातवीं पास को पुलिस में भर्ती कराएंगे। तो मैंने सोचा कि ये अगर ताड़ी पर बिहार में बैन है तो इन्होंने क्या पीकर घोषणा पत्र बनाया। ऐसे ही आपके भाजपा का घोषणा पत्र है, उन्होंने ये व्यंग देखिएगा। हाँ। उन्होंने कहा कि हम मछली मंत्रालय बनाएंगे। तो मैंने कहा, मगरमच्छों के तो ऑलरेडी बने हुए हैं। एक कविता पेश करता हूँ। मछली का इसलिए मंत्रालय बनाएंगे कि एक एक मछली पकड़ने के लिए बहुत देर लग जाती है, वहाँ इकट्ठी तो भी मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात तो कविता पेश है।
नेता लोग चुनाव में कैसे कैसे वादे करते हैं, व्यंग कविता आपके सामने रखता हूं। नेताजी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो रेलवे मंत्रालय पर नहीं कोई धब्बा होगा, इतना बजट होगा कि सबका अपना अपना मग्गा होगा। इतना बजट होगा कि सबका अपना अपना मग्गा होगा। दूसरे नेताजी एक कदम आगे बढ़ गए, बोले पिछली सरकार ने मनरेगा दिया था, हम मनोरोगी देंगे। तीसरा बोला किसानों के लिए अलग बजट बनाया जाएगा, सरकार चूहे पालेगी और हमारी बिल्ली जरूरतमंदों को छांटेगी, भूखे किसानों में फ्री बांटेगी। देश की अर्थव्यवस्था इतनी मंद है, यहाँ तक मेरे कुत्ते का पेडिग्री भी बंद है। एक नेता बोला जितने कहे थे उससे फालतू काम किए हैं, जनता बोली जी हाँ फालतू काम ही किए हैं। बहुत अच्छे, वाह। दूसरा नेता बोला मैंने सुलभ शौचालयों की दीवारें ऊंची करवाई, जनता का तमाम काम किया। जनता बोली हाँ ठीक कहता है, जनता का काम तमाम किया। आखिरी चार पंक्तियां, एक गुजर गए नेता की जीवित प्रेमिका प्रत्याशी बोली, झुमका गजरा पायल बिंदिया अंगड़ाई का क्या होगा। झुमका गजरा पायल बिंदिया अंगड़ाई का क्या होगा, अरे चुन्नी लाल तो चले गए अब मुन्नी भाई का क्या होगा। अच्छा, घोषणा पत्रों की बात हुई, मैं भी बड़ी टेंशन में हूँ और मेरे जैसे जितने भी हैं देश में वो सब टेंशन में होंगे। हाँ, कैसे? कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा और सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है वो 72,000 है। मेरी पीड़ा सुन लीजिए आप। सुनाओ भाई। कि राहुल जी आपको मैं वोट दूंगा तो लगेगा, जैसे कि नमक जैसा आटे में ही रहूंगा, और हाथ को लगा के हाथ कुछ ना लगेगा हाथ, फालतू के सैरवा सपाटे में ही रहूंगा, और 72,000 हर गृहिणी को दे रहे हो, 72,000 हर गृहिणी को दे रहे हो, बावजूद इसके मैं सन्नाटे में ही रहूंगा, 72,000 हर गृहिणी को दे रहे हो, बावजूद इसके मैं सन्नाटे में ही रहूंगा, और आपकी तरह मेरी भी नहीं है गृहिणी तो आपको जिता के भी मैं घाटे में ही रहूंगा। सर मेरा नंबर है। अब नहीं है तुम्हारा नंबर पांड्या जी? अब नहीं है नंबर तुम्हारा? कुछ पता नहीं लगता सरदार किधर से आ जाए। जी मैं बता रहा हूँ तेरे को। पांडे जी आप हंस क्यों नहीं रहे मेरे? आपको देखते हैं। अच्छा मैं अभी इनको लपेटता हूँ फिर तो हंसेंगे। एक्चुअली वो मन की बात सुनते मन ही मन में हंस लेते हैं। कि अभी कांग्रेस की एक बात आई थी जब यहाँ का इलेक्शन हुआ था ना गुजरात का, कांग्रेस खूब जोर शोर से लड़ी फिर भी हार गई। जब हार गई कांग्रेस तो कांग्रेस ने एक बात कही थी, ध्यान होगा इमरान साहब आपको, कि हमारी ये मॉरल विक्ट्री है। हाँ। हार तो गए, नैतिक विजय, लेकिन नैतिक विजय हमारी मॉरल विक्ट्री है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, इनके लिए ताली बजा दो, बाद में फिर ये नहीं बजाएंगे। के शेर से दहाड़ते हो लड़ते हो मेमने से। शेर से मेमना जानते हैं आप लोग काहे से कहते हैं? अच्छा मैंने कही कहीं आप ऊंट के बच्चे को तो मेमना नहीं समझ रहे हैं। हाँ, मैंने इसलिए पूछा है आपसे। तालियां बजा।
कि शेर से दहाड़ते हो लड़ते हो, मेमने से जीत की कहानी ये हिस्ट्री ही ना रह जाए। जीत की कहानी ये हिस्ट्री ना रह जाए। और मोदी को हराने हेतु दौड़ा तो रहे हो घोड़े, मोदी को हराने हेतु दौड़ा तो रहे हो घोड़े, आपकी ये गफलत मिस्ट्री ही ना रह जाए। बहुत अच्छे जी। सुने कि कुर्सी पे कब्जा यदि नहीं दिया जनता ने तो जनता देती कुर्सी पे कब्जा, कुर्सी पे कब्जा यदि नहीं दिया जनता ने तो हाथ पे कागजी रजिस्ट्री ना रह जाए। ये हाथ पे कागजी, और ताली बजाना पूरा 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 जितने भी बैठे हुए सर आप भी बजाना। हाँ, और जैसे गुजरात के चुनाव में रह गई थी ये भी तुम्हारी मोरल विक्ट्री ना रह जाए। तो सुनो, अब समझने वाले समझना और मुझे बताना ये मोरल विक्ट्री क्या होती है। मैं बताता हूँ कि ये मोरल विक्ट्री क्या है। ये मोरल इमरान साहब मॉरल विक्ट्री क्या होती है मैं बता दूं कि ये मॉरल विक्ट्री क्या है। ये दिवा स्वप्न है बहुरंगे, ये मॉरल विक्ट्री क्या है। ये दिवा स्वप्न है बहुरंगे, और हारे का हर नाम यही है कि फिसल गए तो हर गंगे। ये मॉरल विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं ये वाला चुनाव भी आप? नहीं नहीं, क्यों, अभी तक हमने इसके पहले 2017 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, उसमें हम लोग 80 सीट ले गए, 40 की जगह से 80 हो गए हम लोग। और तो यहाँ भी 44 के बाद 88 हो जाओगे? नहीं नहीं, अभी 2019 की बात है, जहाँ तक की बात है कि गुजरात के अंदर 2014 के अंदर 26 सीट बीजेपी ले गई थी, लेकिन गुजरात के अंदर आजकल ऐसा माहौल है कि हम कम से कम 12 या 13 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है यहाँ पर। यानी 12 13 यानी 26 में से 12 तो 14 इनकी, वो मॉरल विक्ट्री तो हुई ना जब ज्यादा इनकी होती है। लेकिन जीरो में से हम लोगों को 12 बनना है, जीरो में से 12 आना है ना। ये बात सही है सर, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और करने के लिए भी कुछ नहीं है। और एक चुनौती मिल रही है आपको प्रधानमंत्री को कि 15-20 मिनट आकर हमसे कहीं भी बहस कर लें। मैं जब देखता हूं कि मोदी जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो मैं सोचता हूं क्या ये वही 56 इंची सीना है जो पूरा देश देखता है। पांडे जी, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं। स्वागत। दे रहे हैं राहुल जी मोदी आपको चुनौती, दे रहे हैं राहुल जी मोदी आपको चुनौती, बालक की जिद है तो भेंट कर लीजिए। बालक की जिद है तो भेंट कर लीजिए, और वो अगस्ता वाले कमीशन को बताएं आप ओपन रफेल वाला रेट कर लीजिए, ओपन रफेल वाला रेट कर लीजिए। और एक दूसरे की तन्हाई को मिटाने हेतु दोनों ही सिंगल हैं ऑलमोस्ट। एक दूसरे की तन्हाई को मिटाने हेतु एक दूसरे को आप डेट कर लीजिए, एक दूसरे को आप डेट कर लीजिए, और कौन चौकीदार कौन चोर पता चल जाएगा, एक बार खुल के डिबेट कर लीजिए, एक बार खुल के। मोदी जी की फिल्म आ रही है, आप सबको पता है मोदी जी की फिल्म आ रही है, ठीक है, रेडियो उनका जिसपे वो मन की बात करते हैं, हाँ। उनकी वेब सीरीज आ रही है, पूरे वर्ल्ड में वो लाइव टूर करते हैं, और नमो टीवी भी उनका आया। मैं कह रहा हूँ ये टिकटॉक बैन हो गया, नहीं तो मोदी जी उस पर भी आ जाए। मैं तो आधी रात को घर से बाहर निकला सर, तो मेरे पिताजी ने पूछा कहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा जोश जोश में मैंने कह दिया कि मुझे गंगा ने बुलाया है। पिताजी ने मुझे बहुत कूटा क्योंकि गंगा हमारी पड़ोसन का नाम है। तालियां वाले बजाइए, कविता और मैं आपको सुना देता हूँ। पिछले दिनों मोदी जी ने, आप सबको पता है, सैटेलाइट उड़ाया, तो एक कल्पना की है मैंने, हाँ, स्वागत, कि अंतरिक्ष में चुनाव हो रहे हैं। ओहो, अंतरिक्ष में कौन रहता है, पीके जादू, तो चुनाव हो रहे हैं, तो एक कल्पनाशील कविता है। कि अंतरिक्ष में एलियन समाज का भी मन हुआ, एलियन समाज अच्छा है। अंतरिक्ष में एलियन समाज का भी मन हुआ, सो परलोक सभा के चुनाव का आयोजन हुआ।
यहाँ लोकसभा होता है वहां परलोक सभा, तो परलोक सभा के चुनाव का आयोजन हुआ। एक एलियन नेता बोला हम सब तारों का कर्ज माफ करवा देंगे। बढ़िया है, हम सब तारों का कर्ज माफ करवा देंगे, अब ये तारे जमीन पर नहीं जाएंगे। अच्छे, अब ये तारे जमीन पर नहीं जाएंगे, हम पूरी आकाश गंगा साफ करवा देंगे। यहाँ पे गंगा साफ हुई है, गंगा साफ, अरे वहाँ आकाश गंगा साफ करवा देंगे। अब दूसरे हवाई नेता ने जमीनी बात की। बढ़िया दंगे यार, तालियां, तुम भी रहने ही दो। अब दूसरे हवाई नेता ने जमीनी बात की, मुझे जिताओ पूरी जमीन पे हमारा कब्जा होगा, मुझे जिताओ पूरी जमीन पे हमारा कब्जा होगा। इतने में गोलू तारा बोल पड़ा, इतने में गोलू तारा बोल पड़ा, इतनी गैलेक्सी खड़ी कर तेरा दिल पसीजा तो नहीं है, इतनी गैलेक्सी खड़ी कर तेरा दिल पसीजा तो नहीं है, अब जमीन पे कब्जा करेगा, अबे तू किसी नेता का जीजा तो नहीं है। जमीन पे कब्जा करेगा, अबे तू किसी नेता का जीजा तो नहीं है। मफलर बांधे एक ग्रहण सत्ता की शक्कर चाट रहा था, मफलर बांधे एक ग्रहण सत्ता की शक्कर चाट रहा था, केजू नामक केतु राहु ग्रह के चक्कर काट रहा था। अरे कमाल कर दिया, केजू नामक केतु राहु ग्रह के चक्कर काट रहा था, बोला मेरी मोहब्बत को उसने फना ही कर दिया, क्या बताऊं यार फाइनली उसने मना ही कर दिया। रामदेव नुमा एक एलियन योगी बोला, अच्छा रामदेव नुमा एक एलियन योगी बोला, ये पृथ्वी ग्रह वाले तो ब्लैक मनी वापस ना ला पाए, ये पृथ्वी ग्रह वाले तो ब्लैक मनी वापस ना ला पाए, लेकिन हम ब्लैक होल अपने ग्रह पर वापस लाएंगे। लेकिन हम ब्लैक होल अपने ग्रह पर वापस लाएंगे। दूसरा बोला जो पृथ्वी पर नहीं बन पाया हम मंदिर यहीं बनाएंगे। नहीं बन पाया हम मंदिर यहीं बनाएंगे। एलियंस में भी भाजपा ही हैं। हाँ, कहाँ कहाँ तक प्रचार है, अभी आ रहा है भाजपा ही आ रहे हैं, रुको। इतने में अंतरिक्ष नरेश पीके अपना रेडियो पकड़े मन की बात करने आए। इतने में अंतरिक्ष नरेश पीके अपना रेडियो पकड़े मन की बात करने आए, बोले पितरो मित्रो, हाँ तो यहाँ मित्रो है वहाँ पितरो होगा ना। आ, अरे हाँ भाई परलोक में तो पितरो ही होगा। अच्छे सुनील भाई, ताली बजाओ। अरे मामा, मन की बात करने आए, बोले पितरो मुझे आकाश गंगा ने बुलाया है। मुझे आकाश गंगा ने बुलाया है, 60 साल से इस जादू की फैमिली ने तुम्हें उल्लू बनाया है। बहुत अच्छे, 60 साल से इस जादू की फैमिली ने तुमको उल्लू बनाया है, कितने घोटालों की निकाली इन्होंने बारात है, ये जादू रोज मुझे चोर कहता है, मैं कहता हूँ राफेल स्कैम में नेहरू जी का हाथ है। बढ़िया, मैं कहता हूँ राफेल स्कैम में नेहरू जी का हाथ है। दो लाइन आखिरी व्यंग की सुनिए कि मुझे जिताओ, मैं इस सूरज को स्वर्ण आरक्षण देकर पनाह दूंगा। क्या प्रतीक लाया, मुझे जिताओ, कमाल, मैं इस सूरज को स्वर्ण आरक्षण देकर पनाह दूंगा, और इस दलित चांद को राष्ट्रपति बना दूंगा। और इस दलित चांद को राष्ट्रपति बना दूंगा। डिबेट वाली बात चल रही थी और डिबेट वाली बात मुझे भी बहुत पसंद आई, डिबेट करने के लिए बोला और मोदी जी तक भी बात पहुंची, तो मेरी मोदी से कल रात को ही बात हुई। किसकी? तुम्हारी। दिखाओ तेरा। सुनो तो मैंने कहा मोदी एक थोड़ी है, हो सकता है ललित मोदी से हुई हो, नीरव मोदी से हुई हो। मेरे अहमदाबाद में यहाँ पे गुजरात में बहुत संपर्क है। अच्छा। कि अभी कुछ नहीं श्योर, कौन चोर कौन प्योर। हाँ बहुत अच्छे। अभी कुछ नहीं श्योर,
कौन चोर कौन प्योर, इस शोर में से जनता को रस लेने दीजिए। अभी कुछ नहीं श्योर, कौन चोर कौन प्योर, इस शोर में से जनता को रस लेने दीजिए। और माता सोनिया के लाल करने लगे कमाल, माता सोनिया के लाल करने लगे कमाल, बोले हमको कमर कस लेने दीजिए, बोले हमको कमर कस लेने दीजिए। बहुत बारीक बात है पकड़ना, कि चौकीदार चोर है ये साबित ही कर दूंगा, चौकीदार चोर है ये साबित ही कर दूंगा, बस एक बार थोड़ा सा बहस लेने दीजिए। बहस हाँ। चौकीदार चोर है ये साबित ही कर दूंगा, बस एक बार थोड़ा सा बहस लेने दीजिए। तो मोदी जी ने कहा हम बहस भी कर लेंगे, पर पहले हमें थोड़ा हंस लेने दीजिए। बहुत अच्छे, बढ़िया, सही बात। हम आप चारों कवि का प्रणाम करते हैं, यहाँ जो दर्शक हैं श्रोता हैं उसको भी प्रणाम करते हैं, गुजरात में आपका स्वागत है। आप लोग हास्य के लहरी हैं और देश के प्रहरी हैं, हम आपका आदर करते हैं। आपका प्रणाम बनता है, 5 साल में एक बार तो करोगे। हमको भी चौकीदार बना दिया है। कि मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप वो कैसे एक जुमला है, सादा जीवन उच्च विचार, आपके भाजपा के सादा जीवन उच्च विचार हैं, प्रचार शुरू हो गया है, पर आपने जो जो कार्य कर दिए, नेकी कर नदी में डाल, एक का भी नाम नहीं लेते, क्या क्या सादा जीवन उच्च विचार है। कि इतना विकास कर दिया है भाजपा ने जी, के शौचालय बने हैं, के पूरा देश भर गया। बेटा बेटा तू भी नहीं सुन रहा है और उनको भी नहीं सुनने दे रहा है, ये राहुल गांधी है। के इतना विकास कर दिया है भाजपा ने जी, के शौचालय बने हैं, के पूरा देश भर गया, और स्वच्छ गंगा में नहा के, कहते ना स्वच्छ गंगा, ये व्यंग सुनना, स्वच्छ गंगा में नहा के अयोध्या के मंदिर में राम लला के दर्शन करके मैं तर गया। मंदिर बन गया है, रामलला मंदिर में पहुंच गए। और नोटबंदी जीएसटी स्मार्ट सिटी रोजगार, नोटबंदी कितना उपलब्धि, जीएसटी स्मार्ट सिटी रोजगार, बुलेट ट्रेन वाली स्पीड से दिन भर गया। कितने आती है, 500 की स्पीड से आती है ना, बॉम्बे से यहीं तक आती है, है? आगी, 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 है? नहीं मेरा तो दिल भर गया उसकी स्पीड से यार। हाँ, दिल भर गया। और इन उपलब्धियों का नाम तक नहीं लेती भाजपा, प्रचार में व्यंग समझ में आ जाए तो ताड़ियां बजाना। इन उपलब्धियों का नाम तक नहीं लेती, मैं तो भाजपा की इस सादगी पे मर गया। दर्शन के नाली गैस पकोड़े तलना, कि नाली गैस पकोड़े तलना युवकों को सिखलाया है, नाली गैस। अब तालियां उठाना भाई, तक बात समझ में आ जाए तो। हम किसी के भी नहीं है, ना पांड्या जी के ना इनके, सुबह जो चाय पे बुला लेगा उसके। के नाली गैस पकोड़े तलना युवकों को सिखलाया है, और देश तुम्हारा ऋणी रहेगा, क्या आविष्कार बताया। तो ये बाकी बातें कर क्यों नहीं रहे आप, सिर्फ देश राष्ट्रवाद आतंकवाद से मुक्ति पाकिस्तान को जवाब, बाकी बातें भी तो थी ना जो पिछली बार वादे किए थे, वो क्यों नहीं, वो रिवाइज क्यों नहीं कर रहे। देखो देखो ये जो गिनाया है, 9 करोड़ शौचालय हो, 6 करोड़ गैस हो, 1.5 करोड़ घर हो, वो विकास की बात हमने पहले से किया है। लेकिन जब कैंपेन नेगेटिव शुरू होता है तो उसके सामने क्या करेंगे। अगर एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और उसके पर कांग्रेस की भाषा अगर पाकिस्तान की भाषा होती तो उसको तो जवाब देना पड़ता है। मैं समझता हूँ पहले क्या चर्चा होती थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या चर्चा होती थी, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार होता था, भारत विश्व में बदनाम हुआ था। आज क्या चर्चा हो रही है, शौचालय व्यंग बराबर है लेकिन काम है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक व्यापक
एक चेन के हिसाब से एक अच्छा काम उन्होंने शुरुआत किया है। आज भारत को विश्व में मान सम्मान गौरव मिला है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो नेगेटिव बात करती है उसके सामने हम पॉजिटिव बात करते हैं। वो ये वाली बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका नेगेटिव कैंपेन चला था, इसलिए पिछली बार वाली बातों पे बातों का जिक्र भी नहीं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे, उसके बाद आरटीआई लाए। इसका अमल गुजरात के अंदर अभी तक नहीं हुआ। जब हम लोग ये कहते हैं कि भाई गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, केरोसिन मिलना चाहिए, ये कहते हैं कि हमने 7 करोड़ लोगों को सिलेंडर दे दिए, लेकिन एक मरतबा सिलेंडर मिला है, दूसरी मरतबा उसको सिलेंडर मिला नहीं है। और सरकार ने केरोसिन बंद कर दिया है, यहाँ पर अनाज की दुकानों में अनाज नहीं मिलता, गरीब लोग खाना क्या खाएंगे। हम ये चाहते हैं, हम गरीबों की चिंता करती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए हमको यही कहना है कि खास करके पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह पर है, और गरीब जो आदमी है उसको रोज़ उसका चूल्हा जलना चाहिए, उसके घर के उसके बच्चे को खाना मिलना चाहिए। तेरे आने की उम्मीद को फिर से जगाया जाए, तेरे आने की उम्मीद को फिर से जगाया जाए, जैसे नमो टीवी पे राहुल गांधी को दिखाया जाए। अब सुनिए, अब सुनाए तो 72,000 की घोषणा के बाद वैसे तो सब खुश हैं, हमारे मोहल्ले में एक आदमी बड़ा खुश है, अब सुनना उसको। राहुल ने कर दी 72,000 वाली घोषणा को सुन इंसान बड़े खुश हैं, और लोग इस घोषणा से वोट मुझको ही देंगे सोचकर पंजे के निशान बड़े खुश हैं, और खुश वो सभी हैं जिनके भी पास पत्नी है, बीवी को मिलेगा अनुदान बड़े खुश हैं, और तीन तीन बीवियां हैं बैठे बैठे खाऊंगा मैं यही सोच सोच चचा खान बड़े खुश हैं। तीन बीवियां होगी तो क्या करेंगे, यही सोच सोच। लेकिन तुरंत ये 72,000 का सपना टूट जाता है, और कैसे टूटता है, ऐसे कि नहीं मिलेगा एक भी पैसा, नहीं मिलेगा एक भी पैसा, 72,000 नहीं मिलेगा एक भी पैसा, सुनो किसी भी हाल में, और जो मिलना था माल वो सारा पकड़ा गया भोपाल। कांग्रेस की बात की, भाजपा की बात की, हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात करता हूं। शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, हाँ। और केजरीवाल कहते हैं काम में क्या रखा है। ये इनकी जो चौकीदार कैंपेन है ना, वो उसका जिम्मेदार केजरीवाल है। कैसे? अगर वो सीसीटीवी लगवा देता तो इतने चौकीदारों की जरूरत क्या थी। बात तो सही है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक में एक मंत्री है वहां पे एमटीबी नागराज के कर्नाटक में मंत्री हैं, तो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नागिन डांस किया। सच्चाई है, हंसने की बात नहीं है। मैंने कहा तो गनीमत है डांस ही किया, जनता को डसा नहीं। मायावती ने कहा पिछले दिनों कि अगर राम की मूर्ति बन सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं। तो मैं कहता हूँ गलत नहीं कहा, वो पूरा नहीं बताया उसने, काशी राम। सही है। अब मायावती इतनी पुरानी हो गई हैं, अब उनको समझना चाहिए कि पुरानी माया तो नोट बैंक भी नहीं ले रहे, वोट बैंक क्या लेंगे। एक छोटा सा व्यंग देखिए मायावती जी पर। हाँ। बात है, बहुत बारीक टिप्पणी। कि बस के द्वार पर खड़े हुए एक निर्दलीय यात्री से, कंडक्टर ने कहा अपना हाथ खिड़की से अंदर खींच लो, हाथीपुर जाना है तो टिकट खरीद लो। आए हाय, हाथीपुर जाना है तो टिकट खरीद लो। यात्री चुनाव आयोग की तरह असमर्थ हो गया, बोला हे मौला मारी गई है तेरी मती, टिकट बेच रहा है तू कंडक्टर है कि मायावती। इन दिनों डिग्रियों की बड़ी चर्चा है, और सबसे ज्यादा बवाल स्मृति ईरानी जी की डिग्री पे हो रहा है। वहीं से चार पंक्तियां आप सुन लीजिए, आप वैसे भी बहुत प्रसन्न है कांग्रेस, और प्रसन्न हो जाइए, सुनिएगा। हाँ। वैसे कांग्रेस वाकई प्रसन्न है, इनके खिलाफ बात जाती है ये उस पर भी हंसते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा। मैं स्वागत करता हूँ आपका। देखो कांग्रेस नहीं, सच्ची बात, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है।
यहाँ व्यंग करने बैठे हैं, तो हमारे को टेंशन में नहीं रहना चाहिए ना, हम टेंशन मुक्त होने आए ना यहाँ पर। विष्णु है कांग्रेस पार्टी, सही भाई। एक बात बताओ, इससे ज्यादा तुम्हारा और क्या बिगड़ेगा? हमको हमको 26 में से 12 मिलने वाली, हमारा बिगड़ेगा क्या? आप सुनिए, आप सुनिए, स्मृति ईरानी जी की डिग्री यूं बदली मानो। अच्छा, पहले चुनावों में कुछ थी, फिर कुछ हो गई, फिर कुछ हो गई, फिर कुछ हो गई, पता नहीं क्या क्या हुई, हमें तो समझ में भी नहीं आया। चैनल वालों ने ऐसे घुमा घुमा के बताया उसको। स्मृति ईरानी जी की डिग्री यूं बदली मानो, 500,000 का कोई नोट हुई डिग्री। स्मृति ईरानी जी की डिग्री यूं बदली मानो, 500,000 का कोई नोट हुई डिग्री। और सच मानो खुद की बदलियों को देखकर, सच मानो खुद की बदलियों को देखकर, हंस हंस कर लोट पोट हुई डिग्री। हंस हंस कर लोट पोट हुई डिग्री। और भाजपा है परेशान, देखिए पांड्या जी को देखिए, भाजपा है परेशान कि काहे नहीं रखा ध्यान। भाजपा है परेशान के काहे नहीं रखा ध्यान, भाजपा के दिल पे मानो चोट हुई डिग्री। भाजपा है परेशान काहे नहीं रखा ध्यान, भाजपा के दिल पे मानो चोट हुई डिग्री। और जैसे जैसे स्मृति ईरानी जी प्रमोट हुई, जैसे जैसे स्मृति ईरानी जी प्रमोट हुई, वैसे वैसे देखिए डिमोट हुई डिग्री। देखो गांधी परिवार के किसी भी डिग्री अगर इमरान भी कह दे पब्लिक के सामने, तो मैं कहता हूँ अच्छा रहेगा, राहुल गांधी क्या पढ़े हैं, सोनिया गांधी क्या पढ़े हैं। उसका डिग्री का विवाद भी बहुत था, लेकिन यहाँ गुजरात और देश की जनता बहुत समझ शक्ति वाली है। मैं समझता हूँ जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, इस तरह से सभी गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, होता क्या है कि हमारी आंख में दर्द हो रहा होता है और तुम घुटने पर मल्लम लगा रहे होते हो। मैंने अक्सर देखा है भाजपा वालों का, आपकी हमेशा वही बात रहती है, चोर पकड़ा जाए तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो, उन चोरों को पहले पकड़ो। नहीं डिग्री की बात, बिल्कुल ऐसा डिग्री की बात है। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस स्मृति ईरानी की तो डिग्री कल्पना की कहानी एक। स्मृत आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप कह देना जरा, हाँ कि स्मृत ईरानी की तो है डिग्री कहानी एक, आप सब जानते हैं उसे क्या समझाना जी। आप सब जानते हैं पंड्या जी कि डिग्री का क्या खेल है, वो क्या समझाना जी। और झूठ के ये बादल एक दिन तो छटेंगे ही, इसलिए सच्चाई को कभी ना छिपाना जी। इसे ताली बजाओ के पहले थी ग्रेजुएट, अब है इंटर पास। नीचे चली आ रही है, पहले थी ग्रेजुएट अब है इंटर पास, धीरे धीरे बहुत नीचे मत चले आना जी। धीरे धीरे बहुत नीचे मत चले आना जी। और भारत की शिक्षा मंत्री विनती है अगली बार कम से कम 8 पास करके ही आना जी। के कॉलेजों में क्या पढ़ना बेटे, सुनो कॉलेजों में क्या पढ़ना, बिन पढ़े ज्ञान दे सकते हैं। कॉलेजों में क्या पढ़ना, बिन पढ़े ज्ञान दे सकते हैं। और अनपढ़ एमए की डिग्री बाजारों से ले सकते हैं। उनका सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब गाना चेंज हो गया है। डिग्री के भी रूप बदलते हैं, नए नए फिर झूठ निकलते हैं, इंटर ही पढ़ करके मंत्री बन जाती है, खुल जाती है धांधली क्योंकि ये बहू ग्रेजुएट नहीं। अच्छा मैं बड़ा पछताता हूं, मुझे लज्जा आती है अपने आप पर, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये किसी ने नहीं माना है। नहीं अपनी भी कोई योग्यता है, लेकिन जब मैं देखता हूं स्मृति ईरानी जी को तो गुस्सा भी आता है, और गुस्से में मैं ये कहता हूं, हाँ
स्मृति ईरानी जी का देख के नसीब मुझे, स्मृति ईरानी जी का देख के नसीब मुझे, अपने नसीब पे आंसू बहाना चाहिए। और बिना जीते ही चुनाव वो तो मंत्री बन गई, ऐसी पार्टी के ही भजन गाना चाहिए, ऐसी पार्टी के ही भजन गाना चाहिए। इंटर ही पास करके बनी थी शिक्षा मंत्री, इंटर ही पास करके बनी थी शिक्षा मंत्री, मुझे ऐसी भाजपा पे पछताना चाहिए। एमए होके गांव का प्रधान भी ना बन सका, मुझे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए मुझे। अच्छा आप बहुत अच्छे मत करो, इनकी तो डिग्री का बवाल है। आपकी जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने डिग्री दिखाई है उसमें तो नाम का बवाल है। ताजा ये खुलासा हुआ, ताजा ये खुलासा हुआ, देश आज पूछता है लोगों को लुभाने वाला सतरंगी कौन है। सुनना इमरान जी, ताजा ये खुलासा हुआ, देश आज पूछता है लोगों को लुभाने वाला सतरंगी कौन है। सुबह मौलाना के संग, शाम को पुजारी संग, धर्म की सियासत का सत्संगी कौन है। सुबह मौलाना के संग, शाम को पुजारी संग, धर्म की सियासत का सत्संगी कौन है। और डिग्री में नाम देख, डिग्री में नाम देख मेरा माथा घूमता है, खानदानी नाम वाला राजवंशी कौन है। और यदि है जने उधारी, यदि है जने उधारी राहुल जी, तो बताओ कैम्ब्रिज वाले मिस्टर वो राहुल विंसी कौन है। ये कांग्रेस और भाजपा, अग्निहोत्री जी मैं आपको बताऊं, बड़े भाई हैं मेरे, मेरे बड़े भाई हैं, कि कांग्रेस और भाजपा मेरी दृष्टि में दोनों एक जैसे, कि कांग्रेस भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी की जिंदगी ही जेल हो गई, आम आदमी की जिंदगी ही जेल हो गई, और बैंकों की लाइन में लगे लगे मर गए जो, आपको तो उनकी जिंदगी भी खेल हो गई। आपको तो उनकी जिंदगी भी खेल हो गई। के अरबों खरबों के नोट जब्त हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, अरबों खरबों के नोट बात पहुंच जाए तो ताली एकदम ऐसी बजनी चाहिए कि अब तक नहीं बजी, पब्लिक से कह रहा हूं, कि अरबों खरबों के नोट जब्त हो रहे हैं, कैशलेस वाली सभी बातें बेमेल हो गई। कैशलेस वाली आपकी थी ना, कैशलेस वाली बातें सभी बेमेल हो गई। और इससे एक बात सिद्ध होती है, 250 करोड़ पकड़े गए, कि या तो है पक्का कि कांग्रेस अब भी ये भ्रष्ट, या तो है पक्का कांग्रेस अब भी ये भ्रष्ट, या फिर पक्का है कि नोटबंदी फेल हो गई। के चेहरा एक मुखोटे दो हैं, सही कह रहा हूं सर, समर्थन करना मेरी बात का, के चेहरा एक मुखोटे दो हैं, क्या इन्हें तोड़ सकते हैं। चेहरा एक मुखोटे दो हैं, क्या इन्हें तोड़ सकते। और दोनों से कह रहा हूं कि कुछ ले देकर जनता का तुम पिंड छोड़ सकते। तो इलेक्शन चल रहे हैं, दो राउंड के इलेक्शन हो चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि आप तो सब वोट डालने, पूरा देश जा ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहता हूं कि मत देने जा रहे हो, मत मत नष्ट करो, मत देने जा रहे हो, मत मत नष्ट करो, मत देते वक्त एक बात नोट कीजिए, और आपस में डाले फूट, देश से जो बोले झूठ, ऐसे हाथों में ना सत्ता रिमोट दीजिए, ऐसे हाथों में ना सत्ता रिमोट दीजिए। कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्म का फसाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्म का फसाद, जो भी करता हो उसे गहरी चोट दीजिए, जो भी करता हो उसे गहरी चोट दीजिए। और व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और किसान, सभी की जो सोचता हो उसे वोट दीजिए, सभी की जो सोचता हो उसे वोट दीजिए। लपेटे में नेताजी का ये कारवां आज था अहमदाबाद में, अगली बार एक और पड़ाव
इस लोकसभा चुनाव में। देखते रहिए आप न्यूज 18 इंडिया।